अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाके, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टिज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पोस्ट कोविड तिब्बी पेचीदगियां, महकमे सेहत के रहनुमायाना खतूत, फंगल इफेक्ट के तदारुक के लिए पेश की गई तजावेज। कोरोना से निपटने के लिए DRDO के 2DG पाउडर को मंजूरी, पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमत करीब 600 रुपए, डायरेक्टर सतीश रेड्डी का ऐलान। ईद के मौके पर अवाम के डिसिप्लिन को खराज तहसीन, एतमाद पैदा करने कमिश्नर पुलिस का घोड़े पर दौरा, लॉकडाउन के निफास का जायजा। और रात के औकात में सरखा करने वाली टोली के 6 सारक गिरफ्तार, बाजूपल्ली पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत कोविड से सेहतयाब होने वाले अफराद में पोस्ट कोविड मेडिकल पेचीदगियों में इजाफे को देखते हुए चंद एहतियाती तदाबीर की सिफारिश की है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ वो फैमिली वेलफेयर की जानिब से इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया गया है। कोविड से सेहतयाब होने वाले मरीजों में पैदा होने वाली फुफुंदी की रोकथाम के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। जो शुगर के मरीज हैं उन्हें कोविड के दौरान शुगर लेवल बरकरार रखना चाहिए, शुगर कंट्रोल स्टेरॉइड या इसके बगैर भी किया जाए। स्टेरॉइड का मुनासिब इस्तेमाल, सही वक्त पर उसके डोज का ख्याल रखा जाए, एंटीबायोटिक्स एंटीफंगस का सही इस्तेमाल हो, साफ सुथरा पानी, इसके लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल होना चाहिए। बिलखुसूस ऑक्सीजन थेरापी के दौरान गैर गर्म हल्की तपिश वाला नल का या मिनरल वाटर इस्तेमाल ना किया जाए। ह्यूमिडिफायर का पानी रोजाना तब्दील किया जाए। ताजा पानी पीते वक्त ह्यूमिडिफायर को साबुन से धोया जाए। पोस्ट कोविड तिब्बी पेचीदगियों की बुनियादी वजह इलाज के दौरान अद्वियात से पैदा होने वाली फुफुंदी है, जिसे तिब्बी जबान में फंगल इफेक्ट कहा जाता है। इससे नजात के लिए दिया गया तरीक़ेकार मुनासिब साबित होगा। कोरोना से लड़ने के लिए जिस्म में कुव्वत मदाफियत में इजाफे के लिए टीके के बाद मरकजी इदारा DRDO ने 2DG पाउडर का ईजाद किया है, जो एक हफ्ते में मार्केट में अवाम के लिए दस्तियाब रहेगा। DRDO की जानिब से तैयार करदा पाउडर के तमाम टेक्निकल मराहल का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके पहले तजुर्बे के अच्छे नतायज बरामद होने के बाद इसको अस्पताल में कोरोना से मुतासिर मरीजों पर इसका तजुर्बा के बाद इसको इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है। DRDO ने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस के ताउन से ये पाउडर 2DG तैयार किया है। गुज़िश्ता साल से इस पर तजुर्बा चल रहा था। 1 मई को ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दी। DRDO के डायरेक्टर सतीश रेड्डी ने बताया कि ये ड्रग का इस्तेमाल आसान है, इसको पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जिस्म में ऑक्सीजन में हो रही कमी को पूरा करता है और कोरोना वायरस से लड़ने की कुव्वत मदाफियत पैदा करता है। इन्होंने बताया कि इसके इस्तेमाल से मरीज को 2 दिन के अंदर ही जिस्म में तब्दीली महसूस शुरू हो जाएगी। अगर किसी मरीज को अस्पताल में
ठीक होने के लिए 5 से 6 दिन लग रहे हैं तो वो 2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा। इस पाउडर के पैकेट की कीमत 500 से 600 रुपये होगी। इन्होंने कहा कि इसके शुरुआत में 1000 पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, इसके बाद मार्केट में आवाम के लिए इसे दस्तियाब रखा जाएगा। तेलंगाना में हफ्ते के रोज कोरोना के 4298 केसेस दर्ज हुए, 32 संवाद की तस्दीक की गई। महकमे सेहत के डायरेक्टर की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 53072 एक्टिव केसेस हैं। जिलेवारी सतह पर जीएचएमसी में 601, कुत्तागुड़म में 127, जगतियाल में 116, करीमनगर में 173, खम्मम में 203, महबूबनगर में 161, महबूबाबाद में 106, मंचरियाल में 122, मेरचल मलकाजगिरी में 328, नगर करनूल में 157, नलगुंडा में 199, पेद्दापल्ली में 144, रंगारेड्डी में 267, संगारेड्डी में 106, सिद्दीपेट में 154, वकराबाद में 148, वनपर्ती में 107, वरंगल रूरल में 126, वरंगल अर्बन में 160 केसेस दर्ज किए गए, जबकि दीगर अजला में 100 से कम केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना मेडिकल हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि हफ्ता और इतवार को कोरोना टीका नहीं दिए जाएंगे। इन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि हुकूमत हिंद ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के दरमियान वक्फे की मुद्दत को 6 से 8 हफ्तों से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्तों तक कर दिया है। इसके मुताबिक GOI की तरफ से कोविन पोर्टल में तब्दीली की गई है कि कम अज कम 12 हफ्तों के बाद दूसरी खुराक का इंतजाम मुमकिन हो सकेगा। कोविन पोर्टल में तब्दीलियों के पेश नज़र महकमे सेहत की जानिब से 45 साल और इससे ऊपर की उम्र के अफराद के लिए दूसरे टीके के लिए खसूसी मुहिम हफ्ता और इतवार को नहीं चलाई जाएगी। वैक्सीनेशन मुहिम पीर को यानी 17 मई को दोबारा शुरू की जाएगी। इसके तरीक़ेकार से मुतालिक तफसीलात के बारे में जल्द ही इत्तला दी जाएगी। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस से 70% 40 से और उससे कम वाले नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, इसके लिए लापरवाही का मुजाहरा ना करें। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हवा के जरिए तैयार किए जा रहे ऑक्सीजन के 1594 यूनिट्स तमाम अस्पताल को मुहैया किए जा रहे हैं, जिनमें 52 तेलंगाना को दिए गए हैं। ऑक्सीजन टीके रेमडेसिविर की किल्लत ना हो, इसके लिए मरकजी हुकूमत तमाम इकदाम कर रही है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक टीके को 16 कंपनियां तैयार कर रही हैं। सितंबर ता दिसंबर तक 250 से 300 करोड़ टीके मुल्क की आवाम को दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि टीका अंदाजी मुहिम में मुल्क 3रे नंबर पर है। दिसंबर तक मुल्क टीका अंदाजी में सरफहरिस्त हो जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि ऑक्सीजन के लिए 85 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 9,446 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मुल्क भर में पैदा हो रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को दिए गए 1,400 वेंटिलेटर्स अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए। किशन रेड्डी ने कहा कि रेमडेसिविर और टीके को हुकूमत और खानगी अस्पताल रास तौर पर बैरूनी ममालिक और दीगर रियासतों से खरीदने की छूट दी गई है। इन्होंने कहा कि रियासती सरहदों पर एम्बुलेंस को रोकने का अमल मुनासिब नहीं है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पर धान खरीदी की जा रही है। प्रेस नोट जारी करते हुए इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से दीगर रियासतों ने धान की खरीदी के मामले में सर्द मोहरी दिखाई है। इन्होंने कहा कि KCR ने सिर्फ किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला किया। मुल्क भर में निस्फ से ज्यादा धान की तेलंगाना में पैदावार हुई है। इन्होंने कहा कि अहदेदारों की हिदायत पर मिलर्स काम करें, मिलर्स जो कहेंगे वो अहदेदार ना सुने। वजीर मौसफ ने कहा कि रेतु वेदिका और दीगर गोदाम को जखीरे के लिए इस्तेमाल करें, खरीदी गई धान की जल्द मुंतकली अमल में लाई जाए। तेलंगाना BJP के सदर बी संजय ने कहा कि हुकूमत किसानों से धान की खरीदी के मामले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। प्रेस रिलीज जारी करते हुए इन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश से धान बारिश की नजर हो रही है। रियासत में मजीद 3 दिन बारिश की पेश तयासी की गई है।
حکومت فوراً دھان کو بچانے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ خود کو کسان کہنے والے کے سی آر کو کسانوں کی آنکھ کے آنسو دکھائی نہیں دے رہے۔ ٹارلین اور ٹاٹ کے تھیلے نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دھان میں نمی کے نام پر کسانوں سے لوٹ مار ہو رہی ہے۔ عہدیدار اور ملرز میں تال میل کی کمی کی وجہ سے کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت نے ماہ مئی کے دوران خانگی اسکولز کے ٹیچنگ و نان ٹیچنگ اسٹاف کی مالی امداد کے لیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو 48 کروڑ روپے کی زائد رقم کی اجرائی کو انتظامی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ تعلیمات کی درخواست پر محکمہ مال کی جانب سے اس خصوص میں ایک حکم نامہ جاری کیا گیا۔ اس رقم میں 40 کروڑ روپے تخمینی خرچ اور 8 کروڑ روپے زیر التوا مالی اعانت برائے ماہ اپریل کے لیے مختص ہوگی۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ ای پی ایف اسکیم میں شامل خانگی شعبے کے ایسے ملازمین جن کی کووڈ کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے، ان کے ورثہ کو امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ انشورنس کے تحت 7 لاکھ روپے کی رقم ادا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ای پی ایف کے ریجنل ڈائریکٹر کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا۔ حکومت ہند کے محکمہ لیبر کی جانب سے ای پی ایف کے قواعد میں جزوی ترمیم کرتے ہوئے اس خصوص میں انشورنس کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت ہند کے گزٹ میں اس کی اشاعت بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ رکن پارلیمان ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی کووڈ ٹاسک فورس ٹیم وصولی ٹیم بن چکی ہے۔ اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں، گاندھی اسپتال کے قریب ہر روز 1000 افراد کو مفت کھانا فراہم کرنے کے پروگرام کا ریونت ریڈی نے آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گاندھی میں زیر علاج مریضوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کھانا نہیں مل رہا، اسپتال میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ حکومت کی طرف سے ڈاکٹرز اور نرسز کو کھانے کا انتظام نہیں، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے تک ہر دن 1000 افراد کو مفت کھانا دیا جائے گا۔ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات نہیں ہیں، اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرگتی بھون میں ٹاسک فورس کی ٹیم جائزہ اجلاس منعقد کر رہی ہے، لیکن اس میں اہم مسائل پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ صرف کارپوریٹ کمپنی کو بلا کر کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریمڈیسیویر انجیکشن کی کالا بازاری کی جا رہی ہے۔ ٹی آر ایس قائدین کی کمپنی کے پاس اسٹاک موجود ہے۔ کانگریس قائدین جب عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کورونا کو آروگیہ شری میں کیوں شامل نہیں کیا جا رہا؟ حکومت اس کی وضاحت کرے۔ ٹیمز اسپتال میں عوام کو آکسیجن نہ ملنے سے اب بات ہو رہی ہے۔ ریونت نے کہا کہ کارپوریٹ اسپتال کے ہاتھوں میں کے سی آر کٹ پتلی بن گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار سے محروم افراد کو 5000 روپے دیے جائیں۔ رکن پارلیمنٹ کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ کے سی آر میں انسانیت نام کی چیز نہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا کو آروگیہ شری میں شامل کرنے کا اسمبلی میں اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب تک عمل آوری نہیں ہوئی۔ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا اختیار کے سی آر کو کس نے دیا؟ کرونا ٹاسک فورس کی صدارت بھی اپنے فرزند کے ٹی آر کو دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کو آروگیہ شری میں شامل کریں گے، اس کی وضاحت کریں۔ انہوں نے کہا کہ باپ اور بیٹے کے ڈرامے بند کریں، خاندانی حکومت بند کر کے عوام کے بارے میں فکر کریں، کرونا سے پریشان عوام کو مفت علاج فراہم کریں۔ کومٹی ریڈی نے کہا کہ عوام کی زندگیوں کا تحفظ نہیں کر سکتے تو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا کیا فائدہ؟ اگر کرونا کو آروگیہ شری میں شامل نہیں کر سکتے تو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہنے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں۔ کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی حکومت ذمہ دار ہے۔ کے سی آر اپنی آنکھ کھولے اور کرونا وائرس کو آروگیہ شری میں شامل کریں۔ اب لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहंदीपट्टनम, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। बहर अरब में हवा के दबाव में कमी की वजह से तोकते नामी तूफान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आइंदा 24 घंटे में इसका असर मगरबी साहली इलाकों में देखा जाएगा, जिससे ज्यादा बारिश की पेशकयासी की जा रही है। ये शुमाल मगरब की तरफ बढ़ रहा है। ये 18 मई को गुजरात के साहिल से टकराएगा। 150 ता 175 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस पस मंजर में तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि इस तूफान से तेलंगाना में मौसम में तब्दीली आएगी। आइंदा 2 दिनों में रियासत में भारी बारिश होने के इम्कान हैं। अवाम की खिदमत के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान मुकन्नना, कॉर्पोरेटर्स और खुद सदर मजलिस व रुकन पार्लियमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हर दिन दारुसलाम में दस्तियाब रहेंगे। लॉकडाउन के सबब सुबह 7 बजे से 9:30 बजे दिन मजलिस के अवामी नुमाइंदे मौजूद रहेंगे। अवाम अपने मसाइल के लिए दारुसलाम से रुजू हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं शहरियाने हैदराबाद के लिए और तेलंगाना के अवाम के लिए पैगाम दे रहा हूँ, क्योंकि तेलंगाना में 22 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है और लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है। इसीलिए मैं ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि दारुसलाम में सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया और सदर मुतमदीन दारुसलाम में बैठेंगे, आवाम के लिए दस्तियाब रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका कोई अहम काम हो जिससे आपको दारुसलाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो मरकजी दफ्तर है, जो आप यहाँ पर आकर, हम यहाँ पर हैं, मैं हूँ, हमारे एमएलएज हैं, अराकीन बल्दिया हैं, अगर आपका कोई काम हो तो आप जरूर दारुसलाम को आ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन जब नहीं था तो दारुसलाम के आवाम से मिलने का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर में 3 बजे का था, क्योंकि लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे है। तो आप सुबह 7 बजे से 9:30 के दरमियान में कभी दारुसलाम आकर आपके जो काम है, मसाइल हैं, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान दारुसलाम में मौजूद रहेंगे। शुक्रिया। रुकने बलदिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने बलदिया की जानिब से कायम किए गए अन्ना पूर्णा मील सेंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मस्कुरा खाना फराहम करने वाले सेंटर्स लॉकडाउन के दौरान मुस्तहक अफराद को 2 वक्त का खाना फराहम करेंगे। ये सेंटर्स बड़ा नाला, हसन नगर, नूर कॉलोनी और अंसारी रोड के इलाके जात में कायम किए गए हैं। बाद में रुकने बलदिया मोहम्मद मुबीन ने अपने डिवीजन में जारी DRF की जानिब से किए जाने वाले अद्वियात के छिड़काव के कामों का मुआयना किया। शहर में कोरोना वायरस की शिद्दत को पेश नज़र रखते हुए साफ सफाई और अद्वियात के छिड़काव प्रोग्राम पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस सिलसिले में शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके जात शेख की मस्जिद, अवेसी हिल्स, नूर कॉलोनी, सत्तार मस्जिद, शास्त्रीपुरम मेन रोड के अलावा BK पुरम में इस जानिब खसूसी तवज्जो दी जा रही है। रुकने बलदिया रमनसपुरा डिवीजन मोहम्मद कादर ने अपने डिवीजन में जारी अद्वियात के छिड़काव के कामों का जायजा लिया है, जहां DRF की टीमें बड़ी सरगर्मी से सैनिटाइजेशन के काम अंजाम दे रही है। इस मौके पर मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुन मौजूद थे।
लॉकडाउन के दौरान अवाम में एतमाद पैदा करने और कोविड के खिलाफ जंग में उनका ताउन हासिल करने के मकसद से सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने घुड़सवार पुलिस के दस्ते के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इन्होंने घोड़े पर सवार होकर चारमीनार, गुलजार हाउस, घांसी बाजार, हाईकोर्ट और उससे मुत्तसिल गली कूचों का दौरा किया है। उनके साथ एडिशनल कमिश्नर डीएस चौहान, डीसीपी गज्जाराव भोपाल, डीसीपी ट्रैफिक पी करोनाकर और दूसरे ऑफिसर्स मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डीएस चौहान ने जनूबी शहर की आवाम की सताइश की कि इन्होंने कोविड से मुकाबला करने हुकूमत को भरपूर ताउन दिया है। लॉकडाउन के दौरान साउथ जोन और इससे मुत्तसिल इलाकों की आवाम ने ईद सादगी से मनाई। ईद के दिन जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा किया गया वो काबिले सताइश है। मुकद्दस अहमियत की हामिल इस ईद के बावजूद लोगों ने घरों में रहने को तरजीह दी। जहां इक्का दुक्का खिलाफ वर्जियां हुई वहां काउंसलिंग भी की गई। पुलिस को अवाम का भरपूर ताउन हासिल रहा। इन्होंने बताया कि ईद के दिन साउथ जोन के कई इलाकों का इन्होंने खुद दौरा करते हुए सूरतेहाल का जायजा लिया है। बाचूपल्ली पुलिस ने रात के औकात में सरका करने वाले 6 सारकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये 6 सारक दिन के औकात में जोमैटो और स्विगी में काम करते हैं और रात के औकात में सरके की वारदातें अंजाम दे रहे थे। जीडी मेटला, बोलाराम, जगतगिरी गुट्टा पुलिस हदूद में इन 6 सारकों ने रात के औकात में तनहा रहने वालों पर हमला करते हुए उन्हें डरा धमका कर सरका किया गया। सरके किए गए सेलफोन को ओला और दीगर वेब पर फोन ये फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। टप्पा जुबिजरा के मुख्तलिफ इलाके जात में बगैर मास्क पहने मोटरसाइकिलों पर वक्त गुजारी करने वालों पर पुलिस ने चालानात किए और उनकी गाड़ी जब्त कर ली। इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा जी संतोष ने आवाम से अपील की है कि वक्त गुजारी के लिए सड़कों पर बिला जरूरत ना घूमें। इन्होंने कहा कि आवाम अपने घरों में रहते हुए कोरोना वायरस से महफूज रहें। इन्होंने इसके खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त इंतबाह दिया है। सुबह 10 बजे के बाद पुलिस मुतहरिक देखी जा रही है। इसी सिलसिले में बिना दस्तावेजात के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चालानात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में दबिलपुरा में भी पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। गाड़ियों की तलाशी ली गई और बगैर दस्तावेजात के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चालानात आयद किए गए। गांजा पीने से रोकने पर इंदिरा नगर में एक ऑटो ड्राइवर पर कातिलाना हमला किया गया। मुतासरा शख्स इमरान ने मीडिया को बताया कि इस पर 2 अफराद ने हमला करके उसे शदीद जख्मी किया। वो पेशे से ऑटो ड्राइवर है। उनके ही दोस्तों ने उन्हें निशाना बनाया। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके मुतासरा शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाके, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टिज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पोस्ट कोविड तिब्बी पेचीदगियां, महकमे सेहत के रहनुमायाना खतूत, फंगल इफेक्ट के तदारुक के लिए पेश की गई तजावेज।
कोरोना से निमटने के लिए डीआरडीओ के 2DG पाउडर को मंजूरी, पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमत करीब 600 रुपए, डायरेक्टर सतीश रेड्डी का ऐलान। ईद के मौके पर अवाम के डिसिप्लिन को खराज तहसीन, एतमाद पैदा करने कमिश्नर पुलिस का घोड़े पर दौरा, लॉकडाउन के निफास का जायजा। और रात के औकात में सरका करने वाली टोली के 6 सारक गिरफ्तार, बाचूपल्ली पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।